दोस्तों, आपने आपके मोबाइल के अंदर बहुत सारे लॉक लगाए होंगे, आपने पैटर्न लॉक भी बहुत लगाया होगा, लेकिन दोस्तों यदि उस पैटर्न लॉक को कोई देख लेता है तो आपके मोबाइल का लॉक खोल देगा। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे लॉक के बारे में बताने वाला हूँ जिसको किसी का बाप भी नहीं खोल सकता। हाँ दोस्तों, यदि वो आपके लॉक को देख लेगा, यदि आप लॉक खोल रहे हैं और किसी ने खोलते हुए उसको देख भी लिया, तो किसी का बाप भी उसको नहीं खोल सकेगा। दोस्तों बहुत खतरनाक ऐप है, आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आखिर में वो कौन सी ट्रिक है, कौन सा ऐप है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा जो किसी का बाप भी उस लॉक को नहीं खोल सके। दोस्तों लॉक तोड़ ही नहीं पाएगा, चाहे वो आपके लॉक को देख ले, आपका जो पैटर्न है, पिन है, जो भी है वो देख लेगा तो वो खोल नहीं पाएगा। दोस्तों बहुत खतरनाक ट्रिक है, बहुत खतरनाक सेटिंग है, आप इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए हुए देख लेना। दोस्तों मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाएं और वहां पर पैटर्न लॉक जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कर दें, जिससे आप मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाते रहेंगे और मेरी वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों मैं बता देता हूं आखिर में वो कौन सी ट्रिक है। तो दोस्तों यदि आप लॉक लगाना चाहते हैं आपके मोबाइल के अंदर जिसको कोई भी नहीं खोल सके, किसी का बाप भी उस लॉक को नहीं तोड़ पाए, तो दोस्तों आपको प्ले स्टोर से एक ऐप इंस्टॉल करना है जिसको मैं आगे बताने वाला हूं वीडियो में कि आपको कौन सा ऐप इंस्टॉल करना है। तो चलिए दोस्तों हम उस ऐप पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम उस ऐप पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। आप यहां पर देखेंगे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा और दोस्तों यहां पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको अलाउ पिन जेनी लॉकर टू टेक पिक्चर एंड रिकॉर्ड वीडियो लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, यहां पर आपको अलाउ कर देना है। दोस्तों यहां पर आपको अपनी जो फोटो मीडिया एंड फाइल्स है उसको भी अलाउ कर देना है और इसके बाद में आप लोकेशन को भी अलाउ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आपकी इच्छा है, आप नहीं भी कर सकते। दोस्तों अब आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। इसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यहां पर नीचे देख सकते हैं एक्टिवेट पॉपअप विंडो, बूस्ट यूअर लॉक स्क्रीन स्पीड, प्रिवेंट लॉक स्क्रीन फेल्योर। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको अलाउ कर देना है। इसके बाद में दोस्तों आपको इस पर क्लिक करना है, इस पर भी आपको यहां पर अलाउ कर देना है। आप इसको अलाउ कर दीजिएगा। दोस्तों अलाउ करने के बाद आप इसको भी अलाउ कर दीजिएगा। नीचे आप इस पर यहाँ पर अलाउ पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर अब आपको पिन जेनी लॉकर पर क्लिक करके यहाँ पर इसको अलाउ कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप इस पर अलाउ करेंगे तो आपको बैक में जाना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है स्लाइड टू अनलॉक, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। आप इसको स्लाइड कर दीजिएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कुछ इस तरीके की पिक्चर दिखाई देंगी, जहां पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो भी कोड है इस तरीके से दिखाई देंगे, तो आप इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वाले पासवर्ड तो हम नॉर्मली सब मोबाइल में सेलेक्ट कर लेते हैं, ऐसे पिन हम बना सकते हैं, पैटर्न भी बना सकते हैं, लेकिन दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक ही गोले के अंदर आपको तीन नंबर दिखाई देंगे, तो दोस्तों ये कंफ्यूज करेंगे लोगों को कि आपने कौन सा नंबर प्रेस किया है। तो दोस्तों हम इनमें से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं यहां पर। अब दोस्तों अब आपको क्या करना है, आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर आप फेवरेट टीचर, तो आप यहां से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपका चाइल्डहुड नेम या फर्स्ट किस जो भी है, आप ये क्वेश्चन यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहां पर चाइल्डहुड नेम पर क्लिक कर देते हैं। दोस्तों हम इस पर क्लिक करेंगे जैसे कि इस पर, तो हमने यहाँ पर चाइल्डहुड नेम निक नेम पर क्लिक किया। अब यहाँ पर हम लिख देंगे जो भी हमारा नेम है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मोनू। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर मोनू लिख दिया। इसके बाद में अब आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक राइट का साइन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों अब आपको यहाँ पर पिन जनरेट करना है, तो आपको यहाँ पर कोई सा भी पिन जनरेट कर लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 1 2 3 4। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है स्टार्ट सेटिंग, इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों अब क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर कंफर्म पिन पर क्लिक करना है। तो अभी हमने यहाँ पर 1 2 3 4 लिखा था, तो दोस्तों अब आप देखेंगे यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो हम आप देख लीजिएगा आपके 1 2 3 4 थे, तो यहाँ पर आपको 1 पर क्लिक करना है क्योंकि इसमें 1 है। दोस्तों इसके बाद में अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 है,
2 इसके अंदर भी है, लेकिन आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं और इस पर भी, किसी पर भी आप क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, मैं आपको आगे बताने वाला हूं सब कुछ तरीके से। तो आप इस पर 2 पर क्लिक कर दीजिएगा। अब दोस्तों 3 इसके अंदर है तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा, और 4 इसके अंदर है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपको लिखा हुआ दिखेगा योर न्यू पासकोड इज 1234। तो दोस्तों यहां पर आप अपनी ईमेल भी डाल सकते हैं, क्योंकि यदि आप कभी ये पासकोड भूल जाए तो अपनी ईमेल से रीसेट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहां पर अपनी ईमेल डाल दी है, अब मैं यहां पर डन पर क्लिक कर दूंगा। तो दोस्तों जैसे ही डन पर क्लिक करूंगा तो यहां पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। दोस्तों अब यहां पर हमने सेट कर लिया है, अब आप देखेंगे यहां पर आपको कस्टमाइजेशन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। तो दोस्तों यहां पर आप अपने वॉलपेपर भी यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी वॉलपेपर आप लगाना चाहते हैं अपने लॉक में तो वो यहां से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप यहां पर थीम पर क्लिक करेंगे तो यहां से आप थीम भी लगा सकते हैं, कोई सी भी थीम आप जो चाहे वो थीम लगा सकते हैं। ये आपकी लॉक स्क्रीन पर दिखेगी दोस्तों ये थीम, और लोकल पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर कस्टमाइज यानी कि जो भी आपकी गैलरी के अंदर फोटो है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करके लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर वॉलपेपर लगा लेता हूँ कोई सा भी, तो मैं यहाँ पर ये वॉलपेपर लगा लेता हूँ। दोस्तों ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर सेट लॉक स्क्रीन और सेट होम स्क्रीन, तो हम लॉक स्क्रीन पर लगा लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ये लगा लिया है, यदि आप थीम लगाना चाहें तो थीम भी लगा सकते हैं, जैसे कि ये थीम मैं यहाँ से लगा लूंगा। तो यहाँ पर मैं सेट पर क्लिक कर दूंगा, तो दोस्तों यहां पर मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। अब दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूं कि लॉक लगा या नहीं लगा। तो दोस्तों अब मैं यहां पर इस पर मोबाइल में लॉक लगा देता हूं। दोस्तों मैंने यहां पर लॉक लगा दिया, अब मैं इसको यहां पर ओपन करता हूं तो देख सकते हैं ये वॉलपेपर लग चुका है जो हमारी मोबाइल की लॉक स्क्रीन है उस पे। तो अब मैं यहां पर इसको स्लाइड करूंगा, स्लाइड करने के बाद आप देखेंगे तो यहां पर आपको वो दिखाई देगा, जो भी यहां पर आप देखेंगे तो एक ही गोले के अंदर 3 पिन आपको दिखाई देंगे। तो दोस्तों यहां पर आपने जो भी सेलेक्ट किया था पिन वो आपको डाल देना। तो दोस्तों जैसे कि हमने 1234 सेलेक्ट किया था तो यहां पर 1 दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यदि इसके अंदर 2 होता तो वापस आपको इस पर क्लिक करना था। अब दोस्तों 2 आपको यहां पर दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है, तो आप किसी पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहां पर 2 पर क्लिक करूंगा। अब दोस्तों 2 हो गया, अब 3 देखेंगे तो 3 इसी के अंदर है, तो यदि दूसरे के अंदर भी होता तो आप दूसरे पर भी सेलेक्ट कर सकते थे। तो इसके अंदर 3 है तो हम इस पर 3 पर क्लिक करेंगे। और दोस्तों 4 आप देखेंगे तो इसके अंदर है, यदि 4 इसमें किसी और में होता तो हम उनमें भी क्लिक कर सकते थे, लेकिन इसी के अंदर है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं लॉक खुल गया है। तो दोस्तों यदि कोई आपको लॉक खोलते हुए देख भी लेगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि आपने कौन सा नंबर प्रेस किया था, क्योंकि एक ही गोले के अंदर 4 नंबर है, 3 नंबर है, तो आप इनमें से कोई सा भी पिन सेलेक्ट कर सकते हैं और यहां पर आप देख करके अपने पिन को खोल सकते हैं। लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और कोई खोल भी नहीं पाएगा, तोड़ नहीं पाएगा आपके लॉक को। दोस्तों आप चाहें तो इन ऐप पर भी लॉक लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूं कि आखिर में वो कौन सा ऐप है। तो हम जाएंगे दोस्तों यहां पर गूगल प्ले स्टोर पर, तो हम जैसे ही प्ले स्टोर पर जाएंगे तो दोस्तों आपको यहां पर सर्च करना होगा, यहां पर आपको सर्च करना है, मैं आपको बता देता हूं सर्च करके। तो दोस्तों आपको यहां पर सर्च करना है पिन जेनी लॉकर, आप देख सकते हैं ये यहां पर मैंने ऑलरेडी सर्च किया हुआ है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। और दोस्तों क्लिक करने के बाद आपको जो फर्स्ट नंबर पर ऐप दिखाई देगा, देख सकते हैं 4.5 स्टार इसकी रेटिंग है, 1 मिलियन लोगों ने इसे डाउनलोड कर रखा है, तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा। और दोस्तों यहां पर आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, इंस्टॉल करने के बाद जैसे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया था वैसे आप कर लीजिएगा, आपका लॉक लग जाएगा।